हिंद दोस्तों, तो आपको मैं बताने वाला हूं आज की हमारी जो वीडियो होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गरुड़ कमांडो जो कि हमारी है स्पेशल फोर्सेस ऑफ IAF, मतलब इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस हैं। आपसे मैं इंटरेस्टिंगली एक बात और पूछना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली में जो IAF के जो बने हैं करेंटली, जो इसके कौन है, इसके जो आपके वो हैं आपके आर के एस भदौरिया जो इनके चीफ हैं, वो है RKS भदौरिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एयरफोर्स का दिन कब बनाया जाता है वो भी आपको पता चाहिए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होता है। ये बनाया जाता है आपको 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे बनाया जाता है। और जो हाईएस्ट यूनिट होती है आपकी एयरफोर्स की वो होती है गरुड़ कमांडो। आज हम लोग इसकी बात करेंगे पे के बारे में, इसके पर्क्स के बारे में, क्या क्या एलोवेंसेस मिलते हैं उसके बारे में, एंड इनकी बेसिक सैलरी की बात करेंगे। और प्लस आपको बताने वाला हूं, आज रिवील करने वाला हूं इनकी टोटल सैलरी ऑफ गरुड़ कमांडोस। आपको एक मैरून बैरे मिलेगी, ऊपर से आपको बैज मिलेगा, दैट इज अ फ्लाइंग बैज आपको मिलेगा जब आप बन जाएंगे गरुड़ कमांडो, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग आपको सब कुछ चलाने को मौका मिलेगा, आपको हर तरह की वो जो भी पायलट होंगे, आप हर तरह के इसमें जो ब्रांचेस होती हैं उसमें आप जाकर पायलट भी बन सकते हैं। लॉजिस्टिक अपार्टमेंट होता है, आपको सब चीजें बताऊंगा इस वीडियो में, आपको बताऊंगा उनकी सैलरी और इनके बारे में, ठीक है। बेसिक सैलरी, ये सब चीजें बताने वाला हूं। अगली वीडियो में मैं इसके साथ लूंगा बहुत सारी अलग चीजें जिसमें मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली गरुड़ कमांडो में कौन कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो अपने बेसिक पेपर, चलिए बता देते हैं। हाँ, तो कैंडिडेट्स जितने भी कैडेट्स और जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जो कि एक सपना लेकर चलते हैं एयरफोर्स में जाने का, तो एयरफोर्स में जाने के बाद मोस्टली लोग क्या करते हैं, 12th के बाद एक एग्जाम आता है XY, एयरफोर्स एयरमैन का एग्जाम, उसमें जाने का एक अलग सपना होता है। और इसमें जाने के बाद लोग जाना चाहते हैं गरुड़ कमांडो में, ठीक है, या फिर लोग NDA देते हैं और NDA के बाद डायरेक्टली आपका होता है एयरफोर्स में जाने का उनका सपना होता है, और इसके बाद वो डायरेक्टली बनना चाहते हैं गरुड़ कमांडो। क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि वो जो एक वर्दी होती है, वो जो सपना होता है इस वर्दी को पाने का, ये बैज को पाने का, वो जो मैरून बैरे को पाने का, वो स्पेशल फोर्सेस में जाने का, रोंगटे खड़े हो जाते हैं वेन आप इन गरुड़ कमांडोस को देखते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपने अभी भी गरुड़ कमांडो की प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं देखी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं उसकी पूरी चीज बता दूंगा, कौन कौन से बैच मिलते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या कोई एग्जाम भी देना पड़ता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली आज चलिए आपको बता देते हैं, आज आपको शेयर करते हैं इनकी सैलरी के बारे में, इनके पक्ष के बारे में, और मैं बहुत बढ़िया बात आपको बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन के हिसाब से बताऊंगा, नोटिफिकेशन जो अभी निकली है वो हिसाब से बताऊंगा, बिकॉज हर साल नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस आते हैं, नोटिफिकेशन 2021 के हिसाब से बताने वाला हूं। चलिए आपको बता देते हैं इनकी बेसिक पे, जो इनकी बेसिक पे होगी वो क्या होती है इनकी बेसिक पे। दोस्तों इनकी बेसिक पे जैसे ही आप अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद जस्ट आपकी जो पोस्टिंग होती है उसमें जो असिस्टेंट सैलरी मिलती है आपको सबसे पहले महीने में, वो मिलती है आपको 65,000 to 75,000, कह सकते हैं 65K to 75K, ये आपकी होती है बेसिक सैलरी। अब चलिए आपको बता देते हैं कुछ पे एंड पर्क्स भी मिलते हैं, वो चलिए बता देते हैं क्या मिलते हैं। तो आपको बताने वाला हूं पे एंड पर्क्स, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, कुछ आपको फ्री भत्ते बताने वाला हूं, वो वीडियो को एंड तक आप देखिएगा आपको पता चलेगा। पे और पर्क्स में आपको सबसे पहले मिलती है MST, ठीक है, MST मिलती है, कितनी मिलती है, 25,000 रुपए आपको MST मिलती है। ये मैं बता रहा हूँ हर महीने, मंथ की बात हो रही है, हर महीने जैसे ही आपकी जॉब लगेगी हर महीने आपको 25,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड TA plus DA। अब मोस्ट लोगों को पता नहीं होता, मैं आपको बता दूं, TA होता है टेक्निकल अलाउंस और DA होता है डियरनेस अलाउंस, इनको मिला के 7,420 रुपए आपको दिए जाते हैं। अब आपको बात कर लेते हैं, एक होता है हेलो, इसके रुपए मिलते हैं 2,740 रुपए आपके हेलो के मिलते हैं। ये होता है हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग, जो कि एक IAF कैडेट को दिए जाते हैं। और देख लेते हैं और क्या है, चलिए बता देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पे एंड पर्क्स के बारे में। देखिए
फिफ्थ जो फोर्थ पॉइंट है वो आपको बता देते हैं, FAL मिलता है हमारे गरुड़ कमांडोज को, वो होता है फील्ड एरिया एलाउंस। जिस फील्ड में भी आपकी पोस्टिंग होती है उस हिसाब से ये पेमेंट आपको दिया जाता है। इसका जो पेमेंट रहता है वो 10% रहता है ऑफ बेसिक पे, ऑफ बेसिक पे। आपकी बेसिक पे कितनी थी? 25,000। इसका जब 10% निकालेंगे तो 2500, मतलब इसकी जो होती है वो 2500 रुपये आपको हर महीने मिलते हैं FAL, फील्ड एरिया एलिवेंस। ठीक है, फील्ड एरिया एलिवेंस। अब बात करते हैं SFP, जब आप गरुड़ कमांडो बनते हैं तो ये होती है स्पेशल फोर्सेस, किसकी? एयर फोर्स की। तो SFP आपको दिया जाता है, वो होता है दोस्तों आपका 11,000 रुपये। 11,000 रुपये आपको दिया जाता है पर मंथ। आप सब चीजें देखते रहेंगे पर मंथ। फ्लाइंग पे आपको मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक एयरफोर्स कैडेट है तो आपको अलग अलग विमान उड़ाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको फ्लाइंग पे मिलता है। फ्लाइंग पे जो आपको मिलता है वो मिलता है 9,000 रुपये, ये पर ईयर मिलता है। जितनी भी चीजें मैंने आपको ऊपर बताई वो पर मंथ मिलता है। ये जो होता है ये ऐसा पहला होता है सिर्फ, इसमें ये मिलता है जो पर ईयर मिलता है। ठीक है, आपको ये चीजें थी आपकी पे एंड पर्क्स। अब बता देते हैं क्या भत्ते मिलते हैं, जो मैंने आपसे वादा किया था इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए उन सारे डिफेंस कैडेट्स के लिए आपको बता देते हैं कि इनके एलिवेंसेस क्या होंगे। तो एलिवेंसेस को आपको बता देते हैं, गरुड़ कमांडो को एलिवेंसेस मतलब भत्ते कितने मिलते हैं। पहला भत्ते की बात करते हैं, इनको मिलती है फ्री पेंशन। पेंशन आपकी जो फैसिलिटी होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। अब बात करते हैं ट्रेवल और एयर। देखिए मैं दोनों एक ही ले रहा हूँ। ट्रैवल मतलब अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं बाय रेल, बाय किसी भी ट्रांसपोर्ट से आप ट्रैवल करते हैं, आपको मिलता है कंसेशन। मतलब अगर कोई भी टिकट 5,000 रुपये का है तो वो आपसे 2,000 रुपये ही लगेंगे, 5,000 रुपये आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, आपको मिलती है कैंटीन की फैसिलिटीज, सारी जितनी भी कैंटीन की फैसिलिटीज है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। आपको मिलता है राशन, राशन की फैसिलिटीज बिल्कुल फ्री मिलती है, राशन आपको दिया जाता है। ठीक है, आपको क्या मिलता है? किट मेंटेनेंस, आपका हाउसिंग का, हाउसिंग रेंट आपके लिए फ्री होता है। हाउसिंग का और किट का जो मेंटेनेंस होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। बट आपकी एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके जो ड्रेस है, ड्रेस का खर्चा आपसे 14,000 रुपये हर ईयर आपकी सैलरी से कट जाता है, आपकी सैलरी से कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है आपकी सैलरी से, आपके जूतों का खर्चा और आपकी ड्रेस का खर्चा। ड्रेस में ही जूते आते हैं। ठीक है, तो ड्रेस का खर्चा मतलब 14,000 रुपये आपके हर साल आपकी सैलरी से कट जाते हैं। तो बेसिक पे आपको बता दी थी, अब बात करते हैं इन सारी चीजों को जोड़ के आपकी टोटल सैलरी जो बनती है वो आपकी, मोस्टली मैं आपको एक अंदाजा बताऊंगा क्योंकि बिल्कुल करेक्ट सैलरी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। टोटल सैलरी आपकी बनेगी 1,50,000 के आसपास, जो कि एक गरुड़ कमांडो को मिलती है। तो आई थिंक आप की जो जॉब है वो बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है, और वैसे ही किसी का सपना होता है, एक कैडेट का सपना होता है कि IAF में जाने का, एक गरुड़ कमांडो बनने का। तो यहाँ पर पैसे मैटर नहीं करते, आपका जुनून मैटर करता है। पैसे तो हैं तो वो तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऐसे ही लाता रहूंगा। तो ऐसे ही वीडियोज में आपको बताऊँगा, अगर आप चाहते हैं कि IAF में गरुड़ कमांडो के ऊपर मैं कुछ और भी टॉपिक लूँ जिस पर मैं आपको बताऊँ हर चीज इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ाई, मैं कमेंट सेक्शन आपके जरूर पढ़ता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप कुछ भी करिए दीजिए सब्सक्राइब को, बस वो दब जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।